अधिकतर सरकार चलाने वाले और फर्जी तरीके से नियुक्ति करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है, साथ ही दबाव भी बना रही है। अब तक इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। चाईबासा में इन दिनों सर्च अभियान जोरों पर है। पुलिस आनंद चादर और सुदर्शन कुंकल को तलाश कर रही है। इनके नेतृत्व में रविवार को कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम पर थाने पर हमला करवाने का आरोप है। इनके तीसरे साथी अजय पारिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके नेतृत्व में पुलिस की बहाली की जा रही थी। आज भी हम लोग सतत निगरानी रख रहे हैं और जो भी उस तरह का उपद्रवी दिख रहे हैं या संदिग्ध दिखेंगे उसको भी हम लोग पहचान कर रहे हैं, और जो हमारे पास पहचान हुए हैं जो केस में थाना घेराव वाला में उसमें भी चिन्हित करते हुए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, और बहुत लोग की गिरफ्तारी हो गई है और अभी हम लोग कर ही रहे हैं हुई है उसमें, और हम लोग देखेंगे, हमसे छापामारी भी कर रहे हैं हम लोग, और जहाँ जहाँ संदेह छिप सकते हैं वहाँ पे छापामारी कर रहे हैं लगातार। पुलिस इस बात के लिए परेशान है कि 26 जनवरी को कहीं कोई उपद्रव नहीं हो। एक तरफ जहाँ सघन अभियान चलाया जा रहा है, वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। देश संविधान के अनुसार चलता है, तो संविधान में जो भी हमारे अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उसका हम लोग अक्षरता पालन करें। किसी दूसरे लोगों के कहने पे संविधान को, बहुत सारे लोग संविधान को अपने अनुसार जो व्याख्या करते हैं जिससे लोग गुमराह होते हैं, तो गुमराह ना हो, क्योंकि यहाँ शासन हर बिंदु पे उसको ध्यान दे रही है, हर बिंदु को गहरी नज़र से देख रही है, और जो न्यायोचित है और जो संविधान के प्रदत्त शक्तियों के अधीन है उसको हम लोगों को बतलाएंगे। लोग ज्यादा गुमराह ना हो, शासन पे भरोसा करें। प्रशासन और पुलिस लोगों से आग्रह कर रही है कि कोई किसी के बहकावे में नहीं आए, देश में सभी के साथ न्याय होगा। इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चाईबासा से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।